तो यहाँ पे मटर मशरूम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है पहले थोड़ा सा गर्म हो गया है फिर इसमें हम सरसों ऑयल का यूज़ कर रहे हैं आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज के प्याज को थोड़े बड़े टुकड़ों में ही कट कर रखा है और हरी मिर्च और अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें ले रखी हैं इसको हल्का सा भुनेंगे बहुत ज़्यादा इसे मतलब ब्राउन कलर नहीं लाना है बट हाँ इसका कच्चापन टेस्ट निकल जाए क्योंकि इसे हमें पेस्ट बनाना है इसलिए इसका हमने थोड़ा बड़ा ही टुकड़ा रखा हुआ है और हल्का सा भुनने के बाद कच्चापन निकल जाए तो इसमें हरी मिर्च डाल देंगे मटर मशरूम थोड़ी तीखी चटपटी सी अच्छी लगती है इसलिए मैंने चार हरी मिर्ची यूज़ की है तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ये हल्का सा भुन गया है तो यहाँ पे मैंने चार टमाटर ले रखे हैं तो टमाटर और नमक इसको साथ में डाल के थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए प्याज वग़ैरह भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इसको अब हम ढक कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं तब इसको हम ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से पीसेंगे तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं ये देखिए है। बिल्कुल अच्छे से दो तीन मिनट ही लगता है के छोड़ने पे ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं अब इसको हम पहले निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे बिल्कुल गरम गरम ही इसका पेस्ट नहीं बनाना है वरना जार से बाहर आ जाएगा तो इसको हम ग्राइंडर जाल में निकाल लेते हैं और छोड़ देते हैं थोड़ी देर ठंडा हो जाता है ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बना लेते हैं तो यहाँ पे मैंने वही कढ़ाई रख दी है फिर से गरम होने के लिए थोड़ा सा तेल इसमें डालेंगे आप चाहो तो मतलब ऐसे ही मशरूम बना सकते हो मैं हल्का सा इसको फ्राई करके बनाती हूँ फ्राई क्या नहीं होता लेकिन हाँ मतलब इसको थोड़ा सा और एक मशरूम में मैंने चार टुकड़े कर रखे हैं आप अपने हिसाब से जैसा साइज रखना चाहते हो रख सकते हो तो इसको हल्का सा भूनेंगे हल्का सा अभी भूनने के बाद देखिएगा ये साइज़ में बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाएंगे और इसमें जो हल्की सी महक रहती है वो ख़त्म हो जाती है तो इसलिए मैं इसको हल्का सा फ्राई करती हूँ फ्राई करने के टाइम पे ये पानी भी छोड़ता है इसमें पानी से निकलता है इसलिए ये देखिए यहाँ पे इसको दो मिनट मतलब मैंने छोड़ दिया तेल में तो ये अपने से मतलब साइज़ में छोटे हो गए हैं अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इसको बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में तब इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे मतलब मसाला तैयार करेंगे इसको निकालने के बाद इसको हम साइड रख देते हैं और उसी कढ़ाई में हम फिर से अब चलते हैं ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं ये देखिए मैंने जैसे कट कर रखा था ये पहले से छोटे हो गए साइज़ में इसमें से थोड़ी सी महक आ जाती महक ख़त्म हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं मटर मशरूम आप चाहो तो ऐसे ही बिना मतलब फ्राई किए भी बना सकते हो उसमें भी टेस्ट वही आता है बट इसमें थोड़ी सी खुशबू और आती है और अच्छा लगता है तो यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा तेल यूज़ करेंगे और उसमें हमने डाला है जीरा जीरा हल्का सा चटक जाए तो दो तेज़ पत्ते डाल रखे हैं फिर इसके बाद हमने जो मसाले तैयार किए हुए थे प्याज टमाटर हरी मिर्च और अदरक के इसको हम इसमें डाल के भूनेंगे अच्छे से इसको जब तक कि मतलब अच्छे से भुन ना जाए भूनेंगे और इसी के साथ हम सूखे मसाले भी ऐड करेंगे जो हम सूखे मसाले डालते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत अच्छा सा कलर आने के लिए रेड मिर्च हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और जीरा पाउडर इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे हम अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे और मसालों को अच्छे से हमें भूनना है इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि मसाला अच्छे से भुनना बहुत ही ज़रूरी होता है इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ये देखिए जब मसाला अच्छे से भुनने लगता है ना तो खुद ही कढ़ाई छोड़ने लगता है नीचे से मतलब और ऑयल छोड़ने लगता है तो बहुत अच्छे से खुशबू आने लगती है इसमें से तो यहाँ पे मसाला ऑलमोस्ट हमारा भुन चुका है अब इसमें हम डा डालेंगे दो बड़े चम्मच दही या मलाई अगर आपके पास मलाई है तो मलाई डाल दीजिए नहीं तो दही यहाँ पे मैं दही यूज़ कर रही हूँ दही डालने से क्या होगा ग्रेवी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनते हैं और उसका कलर भी बहुत रिच वाला आता है बहुत ही अच्छा कलर आता है ये देखिए यहाँ पर अब इसको भी मिक्स करते हुए हम मटर डाल देंगे अगर आप फ्रोज़न मटर डालो तो आप ग्रेवी जब पक जाए तब डाल सकते हो यहाँ मैंने ताज़ी मटर यूज़ की इसलिए पहले ही मसाले के साथ डाल दिए ताकि मटर भी अच्छे से भून जाए और पक जाए यहाँ पे और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाए ये देखिए मटर मशरूम बना रहे हैं और मटर तो भर भर के यूज़ करना है यहाँ पे मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हो थोड़ा सा थिक मतलब ग्रेवी अच्छी होती है बिल्कुल रेस्टोरेंट का लुक दे देता है रिच लुक देता है तो यहाँ पे मैं ग्रेवी इतनी ही रखती हूँ और अब इसी के साथ ही हम मशरूम ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर से हम गरम मसाला और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक की याद से डालें क्योंकि हमने टमाटर के साथ भी डाल रखा था नमक तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके ढककर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले मशरूम मटर ये अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल जाएँ मतलब अच्छे से पक जाएँ तो यहाँ पे मसाला देखिए बिल्कुल अच्छे से पक रहा है तो इसको फिर से हम ढककर कर दो तीन मिनट के लिए छोड़ देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे छोड़ेंगे ताकि मसाला और ग्रेवी ना बिल्कुल अच्छे से पका रहे अच्छा सा इसका टेस्ट आए ये देखिए कितना अच्छा और कितना रिच लुक दे रहा है बहुत ही टेस्टी लुक है ये बहुत ही यमी बना हुआ है तो यहाँ पे अब इसके ऊपर से हम धनिया ऐड कर देंगे हरी धनिया कट करके इसमें से ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मशरूम और मटर की बहुत ही टेस्टी बन के बिल्कुल रेडी हुआ है ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बन गया है तो अब यहाँ पे हमारा मटर मशरूम बन गया है बिल्कुल इसको चलाते हुए मिक्स करते हुए ऐसे ही अब यहाँ पे बन के रेडी अब इसको हम ढक कर थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे गैस को हम कर देते हैं बंद बन? करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा ठंडा हो जाए ज़्यादा नहीं तब इसको मैंने सर्व किया सर्व करने के बाद कुछ ऐसा लुक आया हुआ है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ट्रस्ट भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना हुआ है आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए ट्राई करिए और अगर आपको ये मेरी वीडियो और रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय बाय